बच्चों आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 7 टॉक्स पैंट का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे, चैप्टर 7 टॉक्स पैंट का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बच्चों सब लोग ध्यान से देखो। तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर। बच्चों कुछ ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से जो आंसर सही है उधर क्या करना है, टिक करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉक्स पैंट विंडो कॉन्टेंट्स डेक्स मेन पार्ट्स। बच्चों जो टॉक्स पैंट विंडो होता है उसका कितना मेन पार्ट्स होता है, 2 या 5 या 4। बच्चों टॉक्स पैंट विंडो का कितना मेन पार्ट्स होता है, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेक्स कॉन्टेंट द ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स। बच्चों कौन सा, इनमें से कौन सा कॉन्टेंट जो कि ड्राइंग और एडिटिंग टूल्स में यूज करते हैं, ड्राइंग कैनवास, फाइल टैब या टूल बार। टूल बार को यूज करते हैं, तो आंसर होगा टूल बार। ओके, टू सेव ए ड्राइंग क्लिक ऑन डेक्स टूल फ्रॉम द टूल बार। अगर किसी भी ड्राइंग को हमको सेव करना है तो टूल बार में से कौन सा बॉटम को क्लिक करेंगे। ओके, कौन से टूल को, टूल बार से कौन से टूल को क्लिक करेंगे, सेव एज, ओपन या सेव। टूल बार में सेव बटन होगा, उधर हम क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों देखो ये नंबर है, व्हाट इज टॉक्स पैंट, टॉक्स पैंट क्या होता है। तो बच्चों उधर क्या लिखना है, टॉक्स पैंट इज ए टोटली फ्री सॉफ्टवेयर रिलीज एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके, इतना तक लिखना है। टॉक्स पैंट एक फ्री सॉफ्टवेयर है और GNU का प्रोग्राम क्या है बच्चों, जनरल पब्लिक लाइसेंस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिलेक्टर, सिलेक्टर को हम क्यों यूज करते हैं। क्या लिखना है बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द करेंट टूल द सिलेक्टर शो डिफरेंट थिंग। सिलेक्टर में बहुत सारे थिंग्स होते हैं, इसलिए हम सिलेक्टर को यूज करते हैं। ओके, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टूल बार, टूल बार क्या है, टूल बार क्या है, टूल बार लिखना है, इट कॉन्टेंट टूल बार कॉन्टेंट द ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स। बच्चों ड्राइंग टूल बार से हम ड्राइंग भी कर पाते हैं, एडिटिंग भी कर पाते हैं और सेव भी कर पाते हैं। ओके, तो टूल बार कॉन्टेंट द ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स। ओके, तो बच्चों इसको करना है 2 नंबर। ओके, और ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी करना है। ये 3 क्वेश्चन है, इधर भी बच्चों देखो 3 क्वेश्चन है, इसको लिखना है और पढ़ना भी है इसको। ओके, इसको लिखना है और पढ़ना है।